हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। NDA कार्यकर्ताओं की बैठक कार्यक्रम आयोजन किया गया। गोरौल वैशाली से राहुल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पोझा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में NDA कार्यकर्ताओं की बैठक कार्यक्रम आयोजन किया गया। उपस्थित विधायक सिद्धार्थ पटेल, उमेश प्रसाद सिंह उर्फ भगवान सिंह, गोरौल प्रखंड के अध्यक्ष अहमद हुसैन, सोंधो पंचायत के वार्ड 12 नंबर के भरत प्रसाद के अलावा गांव के लोग भी उपस्थित थे। और आज हमारे बीच ये आपको ये कैंडिडेट हैं लोजपा आर का और हम लोग उनके घटक हैं, तो ज्यादातर उनकी जिम्मेवारी बनती थी, लेकिन पता चला है कि उनके प्रखंड अध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं, जिला अध्यक्ष भी शायद अनुपस्थित हैं, तो हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि अगले मीटिंग के प्रतिनिधित्व करने जा रही बीना देवी से कहना चाहेंगे कि लोजपा आर के जितने भी कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, तो जानकारी होना चाहिए और वो है आते वो अपने बात को नेता सिद्धार्थ पटेल जी को इस समस्या से अवगत करवाए और हम लोगों ने उस समस्या से इनको अवगत करवाया और देखिए काम का क्या तरीका होता है। इन्होंने तुरंत SDO साहब को फोन किया और तत्क्षण अगले दिन सारे पोल और सारे बिजली कर्मी यहाँ तैनात होकर और किसी अनहोनी घटना को होने से बचा लिए। ऐसे नेता वैशाली में होना चाहिए और इनके तर्ज पर काम करने वाला चाहिए। अगर इनके तर्ज पर काम करने वाला नेता नहीं हो, इसलिए अगर कोई कमियां रह गई है तो उन्हें भी सुधार करनी होगी। मोदी जी साथ ही जितने भी घटक दल है उन सभी की बातों को रखकर और हमें उनसे मत लेना है और उस वोट से हम केंद्र में अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। और साथ ही अभी चूंकि हम ये चाहते थे कि मुझे यहाँ के जो उम्मीदवार है वीना देवी उनके समक्ष मुझे बोलने का मौका दिया जाए करेंगे, हम अभिषेक जी से आग्रह करेंगे, हम प्रेम भाई से आग्रह करेंगे और खास मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ली और नीतीश कुमार के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाती रही है, इनके लिए हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आगे बीना जी से मांग करें कि हम लोग की सबसे बड़ी समस्या रही है जो कोरोना काल में 522 इंटरसिटी सवारी करी जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के तरफ जाने का एक मात्र 8:30 बजे का समय रहता था, वो एक साधन रहता था जिसको कई बार इनको लिखित रूप से हम लोगों ने आग्रह किया, लेकिन वो काम अब तक हम लोगों का नहीं हुआ। हम आशा करते हैं जब ये चुनाव जीत कर और जाए तो निश्चित रूप से इनका पहला काम कोई हो तो वो 522 वाली गाड़ी जरूर चलनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को